Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी मिर्ची बाबा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन सभा स्थल पर कुर्सियां खाली होने के कारण वापस लौट गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गढ़ बुधनी में आयोजित समाजवादी पार्टी की सभा में गिनती के लोग ही पहुंचे थे। इसी वजह से अखिलेश यादव ने बुधनी नर्मदा घाट पर पूजा अर्चना करना लौटना ही उचित समझा। अखिलेश यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि बुधनी की जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मिर्ची बाबा का सहयोग और समर्थन करें। वहीं उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मिर्ची बाबा की तुलना करते हुए कहा कि हमारे बाबा भी मुख्यमंत्री प्रदेश उत्तर प्रदेश वाले बाबा से कम नहीं है, और दोनों को खड़ा कर दिया जाए तो हमारे 20 और वो 19 से निकलेंगे। डबल इंजन की सरकार के इंजन में आपस में टकरा रहे हैं, सीएम का चेहरा नहीं। समाजवादी पार्टी प्रमुख आगे ने कहा कि वह डबल इंजन की सरकार के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के इतने दावेदार हैं जितने यहां पर संभाग नहीं है। केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा में उतारने पर अखिलेश यादव बोले कि राजनीति में प्रमोशन होता है, लेकिन मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है जहां राजनीति में डिमोशन हुआ है। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और एक सड़क बता दो यहाँ जिस पर इमरजेंसी में हवाई जहाज उतर सके। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने महिलाओं को पेंशन दी, उसी की कॉपी करके एमपी में लाडली बहना योजना चला रहे हैं। इंडिया गठबंधन पर भी उन्होंने बयान दिया। वहीं इंडिया को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया इंडिया है, लेकिन विधानसभा चुनाव में नहीं है। भविष्य में क्या होगा वो आगे तय होगा। हमारा गठबंधन पीडीए है, एनडीए को पीडीए हराएगा। पीडीए मतलब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी हैं, हमें संविधान बचाना है। चमत्कार हो गया कि कांग्रेस के लोग बदल गए। वहीं समाजवादी पार्टी ने आगे कहा कि कांग्रेस के लोग बदल गए, चमत्कार हो गया। जिन्होंने जातिगत जनगणना रोकी, समाज को पीछे छोड़ दिया, आजादी के बाद वो एक्सरे की बात कर रहे हैं। अब तो एमआईआर और सिटी एक्सचेंज से पता चल जाता है कि बीमारी क्या है। कांग्रेस अभी भी एक्सरे कराने के मूड में है। बाकी जिस तरीके से मिर्ची बाबा के सभा में अखिलेश यादव की रैली नहीं हो पाई, उसको लेकर आपको क्या लगता है और मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है, ये सब कमेंट बॉक्स में बताइए।